ये सच्ची का न्यू मीटिंग है। चलो ओके बच्चों, फिर देखते हैं। हमें एक चीज पता होना चाहिए कि टाइम और रेट कांस्टेंट का डायरेक्ट रिलेशन है। दैट मींस कि अगर टाइम बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मालूम होना चाहिए। तो अगर हम कहते हैं कि टाइम पे ये डिपेंड कर रहा, तो हम बोल रहे अगर T1 टाइम लिए तो उस पर हमने माना रेट कांस्टेंट क्या था, K1। क्या था बच्चों, रेट कांस्टेंट क्या था, K1। हम बोल रहे हैं जब टाइम टू T2 था तो रेट कांस्टेंट क्या था, K2। क्या था, K2। ठीक है, और हम ये भी मान लेते हैं कि T2 ज्यादा है, टेम्परेचर जो T2 है, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, टाइम नहीं है, टेम्परेचर, गलती हो गया। हम बोल देते हैं कि टेम्परेचर T2 क्या है, ज्यादा। टेम्परेचर T2 क्या है, T1 से ज्यादा, तो K2 K1 से ज्यादा होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बोला है ना। दीपिका बोलो, बोला है कि नहीं बोला। अरे टेम्परेचर और टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है ये, इसको बढ़ाओगी ना तो ये भी बढ़ेगा ऐसे, ठीक है सर। अभी के लिए तो ये हमने अज्यूम किया है ना। कौन सा चीज, नहीं ऐसा नहीं, अज्यूम नहीं, टेम्परेचर उससे, अच्छा ये चीज ना, हाँ ये अज्यूम किया, ये भी हमने अज्यूम किया, ठीक है। ये भी पूछ रहे थे। आगे हम लोग चलते हैं दीपिका, और मुझे तुम ये बताना ये वाला फॉर्मूला। yes. ये फॉर्मूला तुम याद रखना, याद क्या रखना, इसको भी तुम ब्रैकेट कर दो और तुम मुझे ये फॉर्मूला बताओगी कि सर ये फॉर्मूला मुझे याद है ना। ओके क्यों हंस रही हो, याद नहीं है अभी, अभी तो पढ़ा है, अभी याद कैसे होता है, समझ आ गया लेकिन याद करना पड़ेगा। समझ तो अभी नहीं आया, जब तुम सवाल सॉल्व करोगी तब समझ आएगा। तो हम बोल रहे टेम्परेचर 1 के लिए, हम बोल रहे टेम्परेचर 1 के लिए क्या इक्वेशन होगा, तो तुम बोलोगी फॉर T1 टेम्परेचर 1, क्या तुम मुझे वही वाला इक्वेशन लिखाओगी, आओ। Yes, sir. क्या होगा इक्वेशन, एलएन के 1 एलएन के 1 एलएन ए एलएन ए माइनस माइनस क्या होगा, ईए बाय आरटी, ईए बाय आरटी, आर टी वन, टी वन, हाँ। दूसरा yes. इसको हमने बोल दिया पहला इक्वेशन, क्या बोला, पहला। दूसरा फॉर T2 टेम्परेचर T2, क्या हम इसको एल एन के टू लिखना, इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर T2, इसको हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा अब कुछ ऐसा कर गुजरो कि ये आर्हेनियस कांस्टेंट यहां से उड़ जाए, तो देखो तो लॉग में एक नियम है कि अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये ए बाई ए आएगा, सब कट्टम कुट्टी खत्म हो जाएगा, कि नहीं जाएगा? बोलो। तो ये चीज क्या हो जाएगा, खत्म, अगर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, T2 ज्यादा है T1 से, तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, यानी सबस्ट्रैक्टिंग क्या है, सबस्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको कर दो तू, आओ सबस्ट्रैक्ट करने के बाद देखो क्या बचा। हमारे पास सबस्ट्रैक्ट करने के बाद ये यूनिट हो जाएगा खत्म, ये ln a अपॉन a आ जाएगा, लॉग में तुमने देखा था ना, लॉग का क्या था, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता था, ये होता था लॉग ए अपॉन ए बाय बी, तो ए बाय ए खत्म हो जाएगा, समझ में आया, और ऊपर से नेचुरल लॉग है ये, ठीक है। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, इसमें हम क्या बोलेंगे, एलएन के टू माइनस एलएन के वन, एलएन के टू माइनस एलएन के वन इज इक्वल्स टू एलएन ए, तो खत्म हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, ये अपॉन आर टी टू, ठीक है, माइनस के साथ, माइनस ई ए अपॉन आर टी टू माइनस
फिर से माइनस ये वाला ई ए आर टी वन लिख दें। दीपशिखा क्या मैं सही राह पर हूँ बताओ? यस सही राह पर हो। वो हटा दें? हाँ सर हटा दें। मुझे एक बात और बताओ, क्या ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल लॉग के टू अपॉन के वन लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। और लिखे है ना, काफी इजी हो जाता है ना लॉग की मदद से। तो ये क्या होगा एलन? अगर आता हो तो क्या बोल रही हो? अगर आता होगा लॉग निकालने तो बेसिक अगर आया तो हमारे एलन के टू अपॉन के वन लिख दें इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या यहाँ पे माइनस का साइन तो रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। yes, माइनस माइनस प्लस, तो हम लिख सकते हैं वहां पे प्लस, आओ लिख दें। हम लिखेंगे माइनस ई ए अपॉन आर टी टू प्लस ई ए अपॉन आर टी वन। चाहो तो इसको उठा के इधर डाल दो और फिर माइनस का साइन भी लगा सकते हो, ठीक है? इसको उठा के उधर, इसको उठा के उधर, अब बीच में माइनस का, बट हम ये नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है? मुझे पता है कि इतना तुम लोगों को पता है, ठीक है? अब ये तो ऐसे ही रहेगा के टू अपॉन के वन नेचुरल लॉग, ठीक है? एलन के टू अपॉन के वन तो ऐसे ही है, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? ई ए अपॉन आर, ई ए अपॉन आर, अपॉन आर दोनों में कॉमन है, ले ले बोलो। तो हमने ले लिया ई अपॉन आर को कॉमन, ठीक है? तो फिर यहाँ पे बचेगा क्या, टी वन को इधर ला देते हैं और वन बाई टी वन और माइनस का साइन डाल देते हैं, जो पहले करने वाले थे वो अब कर देते हैं, चलेगा? यस सर। तो वन अपॉन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू, वन अपॉन टी टू बाद में किया, सही है? अब तुम्हारे ये तो फॉर्मूला आ ही गया, लेकिन अब तुम्हारे बुक में कैसे दिया पता है? इन दोनों का एलसीएम लेके ऐसे करके कर दिया, तो एलन के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर। इसका एलसीएम लोगी तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टी ए इंटू टी टू, तो इधर आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, बताओ टी टू माइनस टी वन आएगा कि नहीं आएगा? लिख दो, आएगा t2 माइनस t1 अपॉन t1 इनटू t2, t1 t2, हाँ भाई t1 t2, क्या ये हो सकता है क्या दीपशिखा? यस सर यही है, बिल्कुल हो जाएगा है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट वाला है, इसको हम और सिंपलीफाई करके देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम इसकी जगह log 10 बेस 10 डालेंगे, हम यह हटाना चाहते हैं, हटा हटा। हम अगर उसकी जगह log base 10 डाल दे तो क्या कहती हो दीपशिखा? डाल दो सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, log base 10 अगर डाल रहे हैं तो यहाँ पर 2.303 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 yes, और k2 upon k1 equals to ea upon r इंटू टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू, क्या ये सही है? क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां पे ला देते हैं डिवीजन में, तो इसका मतलब लॉग बेस 10 के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर। आर का वैल्यू हम चाहे तो पुट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर देंगे, ठीक है, और एक कांस्टेंट वैल्यू डाल देंगे क्योंकि आर भी एक कांस्टेंट है ना दीपशिखा, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ yes, जानबूझकर, कुछ कुछ जगह कंसेप्चुअल सवाल में आ जाएगा तुमको ये वैल्यू याद नहीं रहेगा आर का, तुम मल्टीप्लिकेशन रखोगे गड़बड़ हो जाएगा, जबकि चाहो तो तुम कर सकती हो, हम बोल रहे हैं, बट अगर वो वैल्यू याद हो जाएगा तो फिर ये वैल्यू याद नहीं रहेगा है ना, तो हम वो नहीं चाहते, ठीक है? और यहाँ पर क्या कर दोगे टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू, ये आ गया हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट।
बोलो दीपिका, बोलो कुछ। यस सर, समझ आ गया। बताओ अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? पता है दीपिका नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करेंगे छोटा सा, ठीक है? मुझे पता है कि कोशिश सफल रहेगा, बट फिर भी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।